हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल डीएसटू सर्कल अकेडमी में स्वागत है। यदि आप प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है जनरल ओडायर, ऑप्शन बी दिया है जनरल लायड, और ऑप्शन सी दी है जनरल ह्यूम, और ऑप्शन डी दी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है जनरल ओडायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है जनरल ओडायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल ओडायर ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए दिए हैं 327 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दिया है 321 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी दिया है 361 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी दिया है 298 ईसा पूर्व। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो 327 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 327 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 327 ईसा पूर्व, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए है 1568 ईस्वी, ऑप्शन बी दी है 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया 1761 ईस्वी, और ऑप्शन डी दिया 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी, ठीक है। तो ये हैं सारे ऑप्शंस। तो आप लोगों का अगर इसका आंसर पता है तो दीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर। तो इसका हम राइट आंसर की अगर बात करें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1526 ईस्वी, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा पानीपत के युद्ध के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1576 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1625 ईस्वी, और ऑप्शन दिया है सी दिया है 1600 ईस्वी, और ऑप्शन डी दिया है 1605 ईस्वी। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पे पूछा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात कर रही है, तो हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो ये 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1600 ईस्वी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात किया जाए तो 1600 ईस्वी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं? ऑप्शन ए दिया है हीनयान और महायान, ऑप्शन बी दिया है दिगंबर और श्वेतांबर, ऑप्शन सी दिया है शिया और सुन्नी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जैन धर्म के दो संप्रदाय की बात हो रही है यहाँ पे, तो जैन धर्म के दो संप्रदाय की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा दिगंबर और श्वेतांबर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, ठीक है। हीनयान और महायान की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। पिछले क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में कराया था, उसमें पूछा गया था बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय के बारे में। और अब बात करें ऑप्शन सी की, सी और सुन्नी की, तो ये जो है मुस्लिम धर्म के दो संप्रदाय हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, डुबले कौन था? इसका ऑप्शन ए है एक प्रचारक, ऑप्शन बी है पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर, ऑप्शन सी दार्शनिक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डुप्ले कौन है ऐसा पूछा गया है, कौन था? तो डुप्ले की अगर बात करें तो डुप्ले पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। डुप्ले कौन था? पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, ठीक है, पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पांडिचेरी फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव था, ऑप्शन ए दी है एक सैनिक अधिकारी, ऑप्शन बी दी है एक दार्शनिक, ऑप्शन सी एक वैज्ञानिक, ऑप्शन डी एक साहित्यकार। तो रॉबर्ट क्लाइव की बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक अधिकारी था, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, एक सैनिक अधिकारी। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, एक सैनिक अधिकारी था, ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके स्क्रीन पर, गीतांजलि के रचयिते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है बंकिमचंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया है प्रेमचंद और ऑप्शन डी दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। गीतांजलि की रचयिता की बात करें तो गीतांजलि की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि की रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो चलिए देखते हैं। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी तोरा, ऑप्शन सी कुरान शरीफ, ऑप्शन डी जिंदावस्ता। यहाँ पे बात हो रही है मुसलमानों की धार्मिक ग्रंथ के बारे में, तो हम बात करें मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ की तो कुरान शरीफ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कुरान शरीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। श्रीमद् भागवत गीता किसके उपदेशों का संग्रह है, ऑप्शन ए श्री राम, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी विवेकानंद और ऑप्शन डी श्री कृष्ण, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बात हो रहा है, तो श्रीमद् भागवत गीता जो है किसके उपदेशों का संग्रह है, तो भगवत गीता की बात की जाए तो ये श्री कृष्ण के उपदेश के संग्रह है, ठीक है ध्यान में रखिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता किसके उपदेशों का संग्रह है, तो इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं भागवत गीता की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण ने अपने उपदेश दिए हैं, उसी का संग्रह है श्री भागवत गीता, ठीक है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वे उनको भी अपनी तैयारी में हेल्प मिले। तो वीडियो को उन तक देखने के लिए धन्यवाद।